एक सिलिंड्रिकल क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। सिलिंड्रिकल बकेट है, ठीक है, और 32 सेंटीमीटर हाइट है, विड्थ दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद सैंड, बालू से भरा हुआ है। इस बकेट इज एम्प्टी ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म, ठीक है, उस बालू से फिर उसे ज़मीन में गिराया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा बालू गिट्टी ये सब ज़मीन पे गिराए जाते हैं ट्रक से, तो कैसा शेप बनता है कॉनिकल। तो इफ हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, एच दे दिया है कोन का, रेडियस ऑफ द स्लेंट हाइट ऑफ द हिप, रेडियस फाइंड है और स्लेंट हाइट फाइंड है, आर और एल फाइंड करना है, ठीक है, करते हैं इसको। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उतना ही सेंड का वॉल्यूम होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर एच से सेंड का वॉल्यूम निकालेंगे। इसी सेंड से कोन बनाया गया तो कोन का वॉल्यूम सेंड का वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे। तो स्टेप समझ में आ गया है, चलिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ द सेंड, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, पूरा लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसको इक्वल करेंगे कोन के वॉल्यूम से, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई की वॉल्यूम मत लिखिए, पाई आर देखिए कितना गिवेन है क्वेश्चन में, 18 18 इंटू 18, हाइट जो है वो 32 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप, ठीक है। तो ये क्या 1/3 पाई, कोन का रेडियस कितना क्वेश्चन गिवेन है, रेडियस नहीं गिवेन है, ठीक है, और इसका हाइट गिवेन है, तो रेडियस नहीं गिवेन है, तो ये आर माना है आपने, इसको आर1 मान लीजिए, और हाइट कितना है इसका 24, ठीक है। तो 3 से 24 कैंसिल कर लीजिए, 8 पाई आर एन स्क्वायर, दोनों इक्वल हो गया, 8 पाई आर एन स्क्वायर पाई इंटू 18 32 पाई पाई कैंसिल, आर एन स्क्वायर 18 32 डिवाइड बाई 8, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 8 से 32 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, तो आपका 18 स्क्वायर आ गया, 4 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रेडियस ऑफ द कोन आ गया 18 इंटू 2 36 सेंटीमीटर। अब आते हैं स्लेंट हाइट फाइंड करना है, स्लेंट हाइट एल, तो ये आप आर वन स्क्वायर प्लस एच वन स्क्वायर ऐसे कुछ लिखना चाहिए हमें, क्योंकि आर और एच यहाँ सिलेंडर के लिए मान चुके हैं, तो हाइट, ठीक, कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिए,
ठीक है। फिर या दूसरा मेथड ये है कि जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लीजिए। देखिए 24 इंटू 24, 36 इंटू 36, इसमें देखिए 12 टू जा 12 टू जा 12 थ्री जा 12 थ्री जा ऐसा कुछ है। तो 12 दो बार कॉमन आ गया, यहाँ 2 2 4 बचा, यहाँ 3 3 9 बचा, ठीक है। तो एक 12 और 13, 12 और 13 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका स्लेंट हाइट। और दूसरा रेडियस, तो कोन का रेडियस आ गया 36, कोन का हाइट आ गया 12√13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी ये से 8 नहीं है, 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। वाटर इन अ कैनल, ठीक है। वाटर एक कैनल में 6 मीटर वाइड, कैनल के बारे में बताया, 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप है। इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर।